और जो है HIV जो सबसे ज़्यादा जिस कारण फैलता है वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से। तो इससे भी ज़रा बचे रहे, क्योंकि अगर आपके पार्टनर को HIV वायरस है तो उससे आपको लग सकता है, इससे थोड़ा बच के रहें। और अब मैं बात करूँगी मदर टू चाइल्ड HIV ट्रांसमिशन के बारे में। मदर टू चाइल्ड HIV तीन तरीके से ट्रांसमिशन हो सकता है। पहला, बच्चा जब पेट में हो तब उससे माँ के शरीर से जो खाना मिलता है तो उस खाने के दौरान थोड़ा ब्लड भी बच्चे के शरीर के अंदर जाता है, तो उससे उस बच्चे को HIV ट्रांसमिशन हो सकता है। 90% चांस यही रहता है कि बच्चे को HIV हो जाए। देखिए, मैंने आपके लिए नोट्स भी दे दिए हैं यहाँ पे। जब बच्चा उम्र में रहता है तो उस वक्त उससे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है कि बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए। उसके बाद का जो टाइम होता है वो टाइम होता है डिलीवरी के टाइम। डिलीवरी के टाइम भी सबसे ज़्यादा खतरा इसी वक्त होता है, क्योंकि इस वक्त बच्चा जब डिलीवरी होता है तो बच्चा जब बाहर आता है तो उस वक्त उसके शरीर में थोड़े से छोटे काटना या छाला वगैरह हो सकता है। तो उस वक्त माँ की भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उस वक्त जो ब्लड होता है, माँ का जो ब्लड होता है, वो बच्चे के शरीर में प्रवेश कर सकता है किसी भी रास्ते से। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि बच्चे को हो जाए, HIV का जो इन्फेक्शन है बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाए। और तीसरी जो बात है वो है ब्रेस्ट मिल्क। माँ के दूध से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। मैं आपको एक थेरेपी के बारे में भी बता दूं, जो कि HIV पॉजिटिव के लिए बहुत ही असरदार थेरेपी है। इसे हम ART कहते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, तो ये थेरेपी जो है वो बहुत ही कॉस्टली है। जब आपको ये पता चले कि आप HIV पॉजिटिव हैं तो डॉक्टर्स आपको इसके बारे में ज़रूर बताते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, इतनी कॉस्टली है कि हमारे देश में जो भी HIV पॉजिटिव हैं उनमें से बहुत ही ज़्यादा कम लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये तीन वायरसेस का जो कॉम्बिनेशन है, ये सॉरी वायरस नहीं, मतलब तीन चीज़ों का, ये तीन ड्रग्स का ये कम्बाइन है। ठीक है, इसे आपको अलग अलग भी दिया जा सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन में एक टैबलेट के रूप में भी इसे आपको दिया जा सकता है। तो अगर आपको लगे कि हाँ मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं ये ले सकता हूँ, तो आपको पहले ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी है। क्योंकि आप अगर ये आपने एक बार लेना स्टार्ट कर लिया तो आप इसे बीच में नहीं बंद कर सकते। एक सिंगल वन टाइम भी आप इसे नहीं मिस कर सकते, वरना ये आपको फ़ायदा पहुंचाने की जगह ये आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा। इसे आप एक बार भी नहीं ड्रॉप कर सकते, ये आपको कॉन्स्टेंटली पूरी ज़िंदगी, आप जितने दिन तक जिएंगे, अगर आप HIV पॉजिटिव हैं तो आपको ये लेना ही पड़ेगा, अगर आपने एक बार स्टार्ट कर लिया, वरना ये अच्छे की जगह आपको बुरे रिजल्ट देने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, और इसे हम कहते हैं ART। मैंने यहाँ पे नोट्स भी आपके लिए दे दिए हैं।